तो हेलो फ्रेंड्स, अब मैं स्विगी में ऑनलाइन हो चुका हूँ और मेरा पहला ऑर्डर बच चुका है। और अब मैं जा रहा हूँ ऑर्डर पिकअप करने, और ऑर्डर पिकअप करने के बाद फिर ऑर्डर डिलीवर करने चलेंगे, क्योंकि वो ऑर्डर 81 का है और 81 का मतलब है कि काफ़ी दूर का ऑर्डर होगा। तो चलते हैं पहले ऑर्डर पिकअप करने, फिर आपको दिखाता हूँ वो ऑर्डर कहाँ का है और कितने का है। तो दोस्तों ये देखिए, ये है मेरा पहला ऑर्डर जो कि जाना है DLF सेंटर 2A6 फ्लोर कनॉट प्लेस। ये कनॉट प्लेस का ऑर्डर है, बताओ यार यहाँ से कनॉट प्लेस जाए। और ये कितने किलोमीटर है लोकेशन आपको दिखाता हूँ। साढ़े आठ किलोमीटर। अब मेरे को यहाँ से जाना है और जाके फिर मेरे को लोकेशन पे ही वापस आना है। चलते हैं भाई, क्या करें, कौन से रोड पे जाना है मेरे को, GK मार्ग पे। चलो दोस्तों चलते हैं कनॉट प्लेस। दोस्तों अभी हम चल रहे हैं कस्टमर की लोकेशन पे। जो स्विगी का मेरे पास पहला ही ऑर्डर बजा है, क्योंकि आज ही मैंने ऑनलाइन हुआ हूँ और आज ही इसने मेरे को हमारे यहाँ से कनॉट प्लेस भेज दिया। बताओ यार इतना दूर आप कनॉट प्लेस से। अब पता है इसमें दिक्कत ये है कि इसमें अपने जोन में वापसी आना पड़ेगा जब तो ऑर्डर मिलेगा, वरना वहाँ तो बैठेगा ऑर्डर के चक्कर में। कोई 100 में से कोई एक बार ही होता है जो आपको आउट ऑफ जोन कोई ऑर्डर मिल जाए। तो अभी ये रह गया है 3.7 किलोमीटर। अब पता नहीं कस्टमर नीचे आएगा या नहीं आएगा। तो फूड लाइन में ये बड़ी दिक्कत है कि वो कस्टमर बोलेगा ना ऊपर आओ तो ऊपर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि कनॉट प्लेस तक दिक्कत ये है ना कि यार कनॉट प्लेस में हम गाड़ी ऐसे कहीं भी खड़ी नहीं कर सकते। और ये यार आ गए हैं इंडिया गेट, इंडिया गेट के सर्कल पे आ गए हैं। तो अभी मैं हूँ दोस्तों अशोका रोड पर। अभी हमें अशोका रोड ही पकड़ना है और फिर वापसी भी आना है। अरे बड़ी किल्लत वाला हिसाब किताब है। या तो स्विगी को ऐसा करना चाहिए कि कम से कम जोन को ऑर्डर तो देना चाहिए हमारे। रेड लाइट हो गई यार। ये बंद कर रखा है क्या सर जी? बंद है ये, चालू है। तो दोस्तों यहाँ तो गया हूँ मैं लोकेशन पे, बट यहाँ पता नहीं गाड़ी एक तो यहाँ लगेगी नहीं। कस्टमर को फ़ोन करा जाए फिर देखते हैं क्या होता है। आ गए वो, आ गए भैया, मिल गए मिल गए मिल गए सर मिल गए। पता नहीं ना मेरे को, मेरा पहला दिन है एक्चुअली। तो दोस्तों अब ये ऑर्डर करते हैं हम डिलीवर्ड। ये ऑर्डर दे दिया है सिंपली। अब इसको करना है डिलीवर्ड, ऑर्डर डिलीवर्ड तो सेकंड वाले पे करना है। यस थम्स अप, शेयर फीडबैक,
टेक द कंफर्म फोटो, फिर बैग की फोटो मांग रहा है। तो बैग की फोटो डाल दी हमने, अपलोड वेरीफाइड। यहाँ शायद इंटरनेट ही काम नहीं कर रहा। तो ये दोस्त ऑर्डर हो गया डिलीवर्ड। ये देखिए 81 का ऑर्डर है, मतलब था। और यहाँ से मैं जाना अपनी लोकेशन पे, तो चलते हैं अब लाजपत नगर ही वापसी, फिर आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों एक ही ऑर्डर बचा है, अब इसको उठाते हैं कंफर्म। तो ये ऑर्डर मैंने कंफर्म कर दिया है, और अब ये वहीं से लेना है जहाँ से पहला ऑर्डर लिया था मैंने। देना कहाँ है ये नहीं पता। तो इसको खोलते हैं, पिकअप कितना किलोमीटर पड़ेगा भाई मेरे को? 2.5 किलोमीटर का पिकअप है। चलो जी, जहाँ से आए थे वहीं चलना है। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये ऑर्डर मेरे को मिला है नोएडा सेक्टर 1। कितना किलोमीटर का पिकअप है, मतलब डिलीवर पॉइंट था किलोमीटर का। पिकअप तो कर लिया मैंने 7.7। यहाँ से गया, अच्छा समझ गया। चलिए वो तो समझ गया कहाँ का ऑर्डर है। तो यार ये तो मतलब पहले दिन ही इनने तो रेल बना दिया यार मेरी। कैसे कैसे ऑर्डर देगा? चलिए कोई बात नहीं, दे रहा है तो दे रहा है, क्या कर सकते हैं। ये पता नहीं क्यों बार बार ये फूड हुई, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। तो दोस्त ये ऑर्डर मैंने दे दिया है, अब इसको करते हैं डिलीवर्ड। क्योंकि ये ऊपर लिखा हुआ है ना कैश फ्रॉम कस्टमर 0, तो इसका मतलब कोई पैसा नहीं देना, पेड ऑर्डर है। और अगर ऊपर कैश देना होगा तो अमाउंट लिखा हुआ आ जाएगा, जैसे 245 या 98 कुछ भी। इसको डिलीवर्ड करते हैं। तो ये हो चुका है डिलीवर्ड। दो ऑर्डर में 150 रुपये का काम बताओ, और गाड़ी चली है क्या बताऊँ। चलिए अब चलते हैं फिर अपनी लोकेशन पे। तो दोस्तों मेरे पास है अभी 2 ऑर्डर। तो एक तो अभी तो ये पहले का दिखा रहा है, फिर कस्टमर के पास चलते हैं, फिर आपको दूसरा ऑर्डर दिखाता हूँ। मेरे पास मल्टी ऑर्डर भेजा हुआ है। तो दोस्तों ये जो मेरा मल्टी ऑर्डर है, उसमें से पहले ऑर्डर की तो लोकेशन पे मैं आ गया हूँ। ये पहले ऑर्डर की लोकेशन है, ये आउट गेट पे दिखा रहा है। ज़रा कस्टमर से ना कॉल करके पूछ लूँ, इन गेट पे आना है आउट गेट पे आना है। तो लोकेशन तो आउट गेट पे ही दिखा रहा है। एक बार कंफर्म कर लिया जाए फिर चलते हैं कस्टमर के पास। ये है देखिए, संजय चूर चूर नान मूलचंद पराठा, जरा कस्टमर को कॉल कर लिया जाए। तो दोस्तों ये था मल्टी ऑर्डर, और अभी पहले ऑर्डर को डिलीवर करता हूँ, फिर दूसरा ऑर्डर देखते हैं कहाँ का है। ओके ओके, ये हो गया है। अच्छा दूसरा ऑर्डर है निर्मल कॉलोनी ए ब्लॉक। तो ये भी लाजपत नगर 4 का ही है। चलिए लोकेशन तो खुल नहीं रही, यहाँ एक्चुअली मेरे को लगा थोड़ा इंटरनेट का इशू है। तो दोस्तों ये दूसरा ऑर्डर भी मैंने दे दिया है, और ये भी पेड है। एक्चुअली कैश ऑर्डर मेरे को आज एक भी नहीं मिला, सारे पेड ही मिले हैं। तब इसको भी ज़रा डिलीवर करते हैं। तो ये ऑर्डर भी हो चुका है डिलीवर्ड। सात ऑर्डर हो गए हैं,
बाकी आगे देखते हैं। और आठ ऑर्डर हो गए हैं, बाकी भी देखते हैं ऑर्डर आते हैं या नहीं। तो दोस्तों ये है मेरा लास्ट ऑर्डर आज का, और ये मेरा पहला दिन का, और मेरा हो गया 10 घंटे पूरे। और अर्निंग मैं आपको दिखाऊंगा बाद में, क्योंकि 12 बजे के बाद इसमें टोटल सारी अर्निंग शो होगी कि मेरे को कितना इंसेंटिव मिला और कितना नहीं। तो ये है मेरा कैश का ऑर्डर, आप देख सकते हो ऊपर कैश आ रहा है। 105 रुपये मेरे को लेने थे जो कि मैं ले लिए। अब इसको डिलीवर कर रहे हैं, पहले हमें करना है कलेक्ट नाउ पे। अब इसके दोनों पे अमाउंट डालने हैं आपको, इतना कैश लिया है आपने 105, फिर 105। तो ये डिलीवरी कंप्लीट। तो दोस्तों ये डिलीवरी कंप्लीट हो चुकी है और मेरे 11 ऑर्डर हैं, और अभी ये दिखा रहा है 561 रुपये काम हुआ है मेरा, जिसमें से भी इंसेंटिव वगैरह मिलेगा वो 12 बजे के बाद आएगा। तो टोटल अर्निंग मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। तो अब इसमें होते हो और मेरे को हो गए 10 घंटे 13 मिनट ऑनलाइन हुए हुए। तो अब इसमें होते हो ऑफलाइन, तो दोस्तों अब मैं उसमें हो गया हूँ ऑफलाइन, अब मिलेंगे बाद में। तो दोस्तों ये है मेरा कल का काम, चलो मैं भी आपको दूसरे तरीके से दिखाता हूँ। ये देखिए ये लिखा हुआ 29 नवंबर। तो ये है मेरा कल का काम, और ये मेरा लास्ट का ऑर्डर है 50 रुपये का, और ये 200 रुपये मेरा इंसेंटिव है, जो कि इसमें 425 रुपये में आपको 200 रुपये इंसेंटिव मिलेगा अगर आप 425 का काम करते हो, और अगर 800 रुपये का काम करते हो तो 400 रुपये इंसेंटिव मिलेगा। तो मतलब कि ये है कि अगर आप 425 का काम करते हो तो 200 रुपये इंसेंटिव मिल जाएगा आपको, तो 625 हो जाएंगे, और अगर आप 800 रुपये काम करते हो तो 400 रुपये इंसेंटिव मिलेगा, 1200 रुपये हो जाएंगे। तो मेरा कल का काम हुआ था 561 रुपये का, जिसमें से 200 रुपये आप ये देख सकते हो मेरे को इंसेंटिव मिला है। और ये सारे ऑर्डर जितने भी है ना, सारे मतलब पिकअप और डिलीवर करके 11-12 मतलब समझ लो आउट ऑफ जोन में डिलीवर करके फिर जोन में आना पड़ता था। तो ये ऑर्डर कोई मेरे को 17 किलोमीटर, कोई 18 किलोमीटर, कोई 20 किलोमीटर का पड़ा है। तो इसमें बस यही दिक्कत है कि आउट ऑफ जोन फेंकेगा ना तो आपको जोन में वापसी आना पड़ेगा, वरना आउट ऑफ जोन तो आप बैठे ही रहो, ऑर्डर कोई बाई चांस मिल गया तो मिल गया वरना बैठे ही रहो। तो दोस्तों ये है मेरी कल की जो अर्निंग है सारी आपके सामने है। पहला ऑर्डर है मेरा 81 का, दूसरा 69 का, तीसरा है 79, चौथा 72, ऐसे आप देख सकते हो। मतलब कि जो मेरे को शुरू के 1 2 3 4 5 ऑर्डर तो इन्हें ऐसे फेंके मेरे को, भाई साहब मैं क्या बताऊं, हर ऑर्डर 20 किलोमीटर 18 किलोमीटर 19 किलोमीटर ऐसे का था, मतलब जोन में वापसी आने के बाद। बाकी उसके बाद मेरे को छोटे छोटे ऑर्डर मिले। तो दोस्तों ये है मेरी कल की अर्निंग, 451 काम, 200 रुपये इंसेंटिव, टोटल 761 रुपये। तो हेलो फ्रेंड्स, तो यह थी मेरी जो अर्निंग थी कल की सारी, जो मैंने आपको दिखा दिया। क्योंकि देखो फर्स्ट डे में ना ये ऑर्डर स्विगी कम देता है, और इसमें एक दिक्कत है कि यार थोड़ा ना आउट ऑफ जोन में फेंकने के बाद ना हमें जोन में वापसी आना पड़ता है, वरना ऑर्डर हमें नहीं मिलते। क्योंकि आउट ऑफ जोन का क्या होता है कि ऑर्डर फिर हमें जोन में वापसी आना पड़ता है। अगर आउट ऑफ जोन आप बैठे रहोगे ना तो कोई बाय चांस, अगर आप कोई भरोसा नहीं, आप 3 घंटे बैठे रहो 4 घंटे बैठे रहो, अगर आउट ऑफ जोन से अगर आपको ऑर्डर मिलता है तो आपके जोन का ही मिलेगा, वरना जितने भी लड़के हैं सब अपने जोन में वापसी आते हैं। तो एक ये बड़ी गलत चीज़ लगी मेरे को कि ये आउट ऑफ जोन जो बार बार फेंका, कल मेरे को इन्होंने 4 या 5 ऑर्डर कंटिन्यू जो मेरे को शुरू के ऑर्डर मिले ना सारे यहाँ के मिले हैं, कनाट प्लेस नोएडा इधर के। तो दोस्तों ये है इसमें दिक्कत है कि बहुत मतलब आउट ऑफ जोन फेंक फेंक के अपने जोन में फिर वापसी आओ। और कल देखो मेरा जितने काम हुआ उसमें से मेरा 200 रुपये का तेल लगा है, 200 रुपये का। और यही था दोस्तों आज की इस वीडियो में, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।